बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं बैटरसी पावर स्टेशन। यहाँ से हम लोग लेंगे उबर बोट और जाएंगे दूसरी साइड पे। हमने कहा क्यों ना इस बार उबर बोट का भी सफ़र किया जाए यहाँ पे। तो चलते हैं फिर। ये वो बैटरसी पावर स्टेशन है, तो सामने बहुत प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है, रेजिडेंशियल है और होटल भी है। ये एरिया जो है ज़्यादातर चिमनीज वगैरह फैक्ट्रीज़ की साइड का है, तो पावर स्टेशन। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे ऊपर बोट की तरफ। और आज का सफ़र मेरे साथ ही है, मामा आज नहीं है क्योंकि वो थकी हुई थी, तो वो फिर अब अपना रेस्ट कर रही हैं। वो मुझे दोपहर में ज्वाइन करेंगी। अभी हम जा रहे हैं बोट की तरफ। अब ये स्टेशन से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है मार्केट। उफ़, ये इतनी लंबी क्यू जो है वो आइस स्केटिंग के लिए है, आइस रिंक की। फिर यहाँ पे हमने एक स्टॉल देखा जहाँ पे फ्रेश फ्रेश क्रेब्स और चूरस मिल रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना हम भी टेस्ट करें कैसे हैं। तो ये न्यूट्रेला के रोस्ट ले लिया मैंने, हम टेस्ट करते हैं एक रोस्ट सब एक बाइट। रियली गुड। अब बोट की तरफ जा रही हूँ मैं। वो आ गई है बोट हमारी। तो ये उबर बोट मैंने ली थी बैटरसी पावर स्टेशन से। ये मेन स्टेशन था, यहाँ से आपको वो रिवर थेम्स का पूरा राउंड लगाएगी। मेन मेन स्पॉट्स हैं जैसे कि लंदन आई, लंदन ब्रिज, ऐसे ऐसे स्पॉट्स लेके जाएगी। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी स्पॉट पे स्टेशन होगा वहाँ पे उतर सकते हैं। तो मैंने स्टेशन चूज़ किया था लंदन ब्रिज क्योंकि मुझे वहाँ पर एक नाइट मार्केट विज़िट करनी थी। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप बेशक चाहें तो एक राउंड टूर भी ले सकते हैं और वापस बैटरसी पावर स्टेशन पर उतर भी सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ऊबर बोट का टूर। ये आप अपने ओइस्टर कार्ड जो आप अंडरग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं उसको रिचार्ज करवाएं, चाहे तो आप टिकट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपना ओइस्टर कार्ड ही रिचार्ज किया और उसी पे जो है मैंने ये पूरा टूर लिया। लेकिन मैंने अलग से जो है एक बोट टूर भी किया हुआ है, दैट वॉज़ ऑल्सो वेरी गुड। वहाँ पे बकायदा आपको एक टूर गाइड होता है जो आपको जगह जगह रुक के बताता है, हिस्ट्री बताता है, सब कुछ बताता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये सोलो ट्रैवलर्स के लिए अच्छा होगा कि जो लोग खुद एक्सप्लोरेशन करना चाहें। तो यहाँ पे मेरा आगे जाके स्टॉप आ रहा था लंदन ब्रिज का, तो बोट से उतर गई हूँ मैं लंदन ब्रिज के स्टॉप पे। यहाँ से बजाऊँगी लंदन ब्रिज, फिर उसके बाद मेरे जाना है मिलेनियम ब्रिज।
तब हम जा रहे हैं लंदन ब्रिज के पास, जो नाइट मार्केट लगी हुई है उसकी तरफ। रश बहुत है, हालांकि आज ऑफ है। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स लगी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स हैं। वो है लंदन ब्रिज। ये ब्राउनीज है सारी। फूड ये मार्केट के अंदर आ गए हैं। रश बहुत है और साथ में जो है बारिश भी होने लग गई हल्की हल्की, ठंड भी बढ़ती जा रही है। बंदे के चलने की जगह नहीं, यहाँ पे लोग साइकिल लेकर आए हैं। आदो और यहाँ पे काफ़ी जगहों पे लोगों ने लाइट्स की इंस्टॉलेशन की हुई है, जैसे ये बनाया है स्नोफ्लेक टाइप लग रहा है स्टार। और ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। जो बंदा सोलो आया हो ना तो वो ऐसे ही वीडियोस बनाता है खुद ही। यहाँ पर बंदा किसी को फ़ोन भी नहीं पकड़ा सकता, कहीं भाग ना जाए बंदा फ़ोन ले कर। क्योंकि आई थिंक सो ऑफ डे है तो अभी तो आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ने लग गया, तो मैंने सोचा कि ना आगे जो प्लान है वो स्किप किया जाए और वापस घर को जाया जाए, क्योंकि बारिश होने लग गई थी। और एज यूजुअल मैं अम्ब्रेला के बगैर यहाँ पे मैंने अपने थोड़े बहुत शॉट्स लिए। बैकग्राउंड में लोग बहुत आ रहे थे बट खैर इसी तरह करके मैंने अपना एक शॉट लिया। और फिर यहाँ से मैंने की वापस जाने की तैयारी बाय वॉक वे स्टेशन की तरफ। बीच में एक दो शॉट्स लिए हमने द फेमस बिग बॉस। और फिर इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और ये जो ट्रेन आ रही है ये मैंने पकड़नी है, इसलिए यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बंद करूँगी।